ये है कि ये जो भी विचार हैं हैं तो भारत के ही, लेकिन जीवन में इनको प्राथमिकता देते रहिए। धन्यवाद। उससे भारत दुनिया में चमकेगा। प्रकृति की रक्षा अगर पुरुष नहीं करेगा तो उसका अपना ही नाश होगा। हमारे देश में पीपल पूजा है, क्यों है? हमारे देश में नाग पूजा है, क्यों है? हमारे देश में कुआं की पूजा, ये क्यों है? तो सांप की भी पूजा, पीपल की भी पूजा, नीम की भी पूजा, बड़ की भी पूजा, ये सब किस बात के लक्षण है? तुलसी की भी पूजा, ये किस बात के लक्षण है? तो ये सब समाज को, मैंने मनुष्य समाज को और कुछ न कुछ अच्छा देते हैं। जैसे सांप हवा में से जहर तो ले लेता है और बाकी शुद्ध जहर शुद्ध हवा छोड़ता है, तो हमारा भला करता है। पीपल ये कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है, ले लेता है और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ता है। ऐसे बरगद, बरगद ऐसे ही तुलसी, तुलसी के अनेक लक्ष गुण हैं, अनेक गुण हैं। तुलसी पर पुस्तिका है, वो भी आप कभी पढ़िए, इसलिए तुलसी की पूजा होती है। तो इस प्रकार से भारत के ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने जितनी खोज मनुष्य जीवन के संबंध में और प्रकृति के जीवन के संबंध में की हुई है, वो आज से कई गुना आगे है। हमने चूंकि अपने अध्ययन को अपने महापुरुषों से नहीं जोड़ा, अपने महापुरुषों के वेद लिखे हुए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनसे हमने अपने आप को नहीं जोड़ा, इसलिए हम खुद ही टूट गए और हम 2000 साल दुनिया के आक्रमण हम सहते रहे और उन आक्रमणों में हम भूल गए कि हमारा कोई देश है। 15-15 दिन तक सूरज हड़ौती में नहीं दिखाई देता था, इतनी वर्षा होती थी। जंगल बनेगा, जंगल वर्षा होगी। जो काम करते हैं मैं तो उनको देवता मानता हूँ, जो ये काम करते हैं मैं उनको देवता मानता हूँ, शुद्ध पुरुष। कल्पतरु संस्थान है वो, मैं जब जयपुर में सहायक पुलिस आयुक्त सोडाला था तब इनके विष्णु लांबा जी मेरे संपर्क में आए थे। तब से मैं ये देख रहा हूँ कि इनके अंदर जो पर्यावरण के प्रति एक डेडिकेशन है वो बहुत कम लोगों में मिलता है। एक ऐसा जज्बा है जो आदमी, मतलब बहुत ही जुनूनी जो लोग होते हैं उनके अंदर इस तरह का जज्बा मिलता है। मैंने पुलिस की नौकरी की है और उस नौकरी में कई इस तरह की समाज सेवी संस्थाओं के लोग हमसे मिले हैं, और पर वो देखा कि वो जैसे बरसाती मेंढक होते हैं वैसे ही आते हैं और चले जाते हैं। पर मैंने ये कि ये संस्थान ऐसा देखा है जो अभी मैं 20 सालों से देख रहा हूँ कि लगातार इस काम में लगा हुआ है। जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनके वहाँ जाकर पेड़ लगाना, आप ये देखिए मकर संक्रांति होती है उस दिन पतंग उड़ाते हैं लोग बाग, तो पतंगे उड़ाने के दौरान जो पक्षी होते हैं उनको जो चोट पहुँचती है उनको उनका इलाज करना, कबूतरों का इलाज करना। तो ये इसके अलावा भी अगर कोई पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है, प्रकृति को नुकसान पहुँचाता है, तो उसमें सजगता ये लोग बरतते हैं, पेड़ लगा रहे हैं। आप ये देखिए इनका कार्यक्रम, मैं तो हर रोज़ कहीं ना कहीं इस तरह का लगता है कि आज यहाँ पेड़ लगाना है, आज यहाँ तुलसी के पौधों का वितरण करना है, आज यहाँ पे कोई मोर है उसकी किसी ने कोई हत्या कर दी उसके कार्रवाई करानी है, आज यहाँ पे अगर कोई पक्षी हैं वो घायल पड़े हैं उनका इलाज करवाना है। तो संस्था है बहुत अच्छा काम कर रही है और लीक से अलग हटकर काम कर रही है, मानवता के लिए काम कर रही है, पक्षियों के लिए काम कर रही है, प्रकृति के लिए काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये संस्था है, इसके भविष्य के उज्जवल रहने की मैं कामना करता हूँ, भविष्य उज्जवल की कामना करता हूँ। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि हमारे मरने पर जो 10 मण लकड़ी हमारे दाह संस्कार में काम आती है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जिंदा रहते हुए
कम से कम हमारे एक पेड़ लगाएं ताकि उससे हमारा दाह संस्कार तो कम से कम हो।